देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। हमारे चैनल में विज्ञापन देने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, नजर भर देखो न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज़ैनब। आई देखिए आज की मुख्य खबरें। ममता बनर्जी ने बुधवार को नई दिल्ली में 10 जनपद पर बैठक के बाद कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ बैठक बहुत सकारात्मक थी और हमें उम्मीद है कि निकट भविष्य में इससे कुछ सकारात्मक निकलेगा। बैठक के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहे। 10 जनपद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि सोनिया गांधी ने उन्हें अपने आवास पर चाय के लिए आमंत्रित किया था और बैठक के दौरान हमने कई मुद्दों पर चर्चा की। हमने सामान्य रूप से राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। हमने पेगासस स्पाईवेयर स्नूपिंग विवाद और कोविड-19 स्थिति पर भी चर्चा की। जब उनसे पूछा गया कि क्या बैठक में 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए विपक्ष की तैयारियों को भी छुआ गया, ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने सोनिया गांधी के साथ विपक्षी एकता के मुद्दे पर चर्चा की। NBD से इफ्तिखार हुसैन जैदी की खास रिपोर्ट। न्यूज देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।